पीएम किसान रो द्वादश किस्ती पई जांच करंतु आपनको खाता जानी परिबे केबे आसीबो टंका कृषकंको आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करबा पई केन्द्र रो मोदी सरकार को द्वारा आरंभ होइतिबा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रो 11तम किस्ती कृषकंको अकाउंट को आसीछि। वर्तमान कृषक भाई माने द्वादश किस्ती पई अपेक्षा करछंती। द्वादश किस्ती अगस्ट रु नवंबर मध्यरे आसीबो। एही योजना अधीन रे सारा देश रु 12 कोटी रु अधिक कृषक पंजीकृत होइछंती। तबे दर्शक बंधु चालंतु संपूर्ण डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे जानिनेबा, किंतु ता पूर्वरो वीडियो टिकु लाइक करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ओके करी रखंतु, जहा फल रे देश विदेश रो प्रत्येकटी लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तबे दर्शक बंधु द्वादश किस्ती पई केन्द्र एवं राज्य सरकार को तरफ रु एही प्रक्रिया क्रमागत भावरे चली। योजनार किस्ती अकाउंट को स्थानांतर होगा पूर्व राज्य सरकार अनुमोदन आवश्यक। द्वादश किस्ती पई केतेक राज्य सरकार अनुमोदन देछंती, केतेक अनुमोदन विचाराधीन अछि। एपरी परिस्थिति रे तुमे तुमर स्थिति को मध्य जांच करबा जरूरी अटे। पीएम किसान वेबसाइट रे स्थिति जांच करबा बळे आपण भिन्न भिन्न स्थिति देखिबे। एही स्थिति गुडीकर भिन्न भिन्न अर्थ रहिछि। एभली परिस्थिति रे आपण माने निजर किस्तीर स्थिति को जानि परिबे। जेभली भाबरे जदि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अछि, राज्य सरकारक द्वारा अनुमोदन आसी नाही, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर अछि, एहार अर्थ हेउछि हिताधिकारीक तथ्य राज्य द्वारा जांच करा जायछि एवं एही राशि स्थानांतरित करबाकु केन्द्र को अनुरोध करा जायछि। FTO is generated and payment confirmation is pending. पांठी स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ होईछि। किछि दिन मध्यरे आपनको अकाउंट को राशि स्थानांतर करा जिवो। तबे अकाउंट रे टंका केबे आसीबो, गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान पांठी रो द्वादश किस्ती रो अर्थ सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताह रे योग्य चासी को अकाउंट को आसी पारे। एहा पूर्वरु प्रधानमंत्री मोदी एकादश किस्ती टंका चलित वर्ष मे 31 रे कृषकंको अकाउंट को स्थानांतर करथिले। कृषकों स्थानांतर पर अनुरोध किसी राज्य सरकार को द्वारा स्वाक्षरित होई। यार अर्थ राज्य पक्षर टंका स्थानांतरित एक अनुरोध पठा जा। तबे दर्शक बंधु यह द्वादश किस्तीर टंका को नहीं किसी लाटेस्ट अपडेट। ये अपडेट को सर्वप्रथमे देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुदूँ।